स्टूडेंट्स वेलकम टू द रोज आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इसमें हम जानेंगे कि कहाँ से साइकोलॉजी स्टार्ट हुई और उसका क्या पर्पज था हिस्ट्री जानना इसलिए भी जरूरी होता है ताकि हमारे जो पास्ट में गलतियां हुई हैं पास्ट में जो इन्वेंशन हुई हैं उनके बारे में जानते हुए हम मजीद प्रोग्रेस कर सकें तो साइकोलॉजी को पहले फिलोसफी का ही हिस्सा समझा जाता था और इसके बाद में जब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हुई जब डिफरेंट आस्पेक्ट देखे गए तो साइकोलॉजी को एक अलहदा डिसिप्लिन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया हमने इसमें ये देखना है कि कौन कौन साइकोलॉजिस्ट है कौन कौन सा फिलासफर है जिन्होंने इसमें काम किया और कौन आ, कौन से डॉक्टर्स हैं जो इसमें हेल्पफुल हैं एट द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट अगर किसी भी सब्जेक्ट की हिस्ट्री देखें तो हमें आ, जो है वो अरिस्तु आ, प्लेटो और इस तरह के कुछ कॉमन नेम्स मिलते हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट बेसिक साइंसेज साइंसेज सोशल साइंसेज इनके बारे में कॉन्सेप्ट दिए हैं तो चलें स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई थी तो वेरी फर्स्ट पर जो नाम आता है साइकोलॉजी में वो है जी हमारे पास फाइव का जो जनवरी थर्टीन नाइनटीन ट्वेंटी फोर में पैदा हुए और फेब्ररी इलेवन नाइनटीन नाइनटी फोर में उनकी डेथ हुई उन वो थे कि जिन्होंने एक फिलासफर होने की हैसय थे ट्वेंटी नाइन सेंचुरी में जो है नाइनटीन की दहाई में ट्वेंटी सेंचुरी में काम करना शुरू किया और उन्होंने अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी काम किया उन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया अः uh, हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो हमें एक ऐसी डायरेक्शन दे रही थी जो साइकोलॉजी uh, को बेहतर तो तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए uh, एक हेल्पफुल टूल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं आज भी uh, uh, मैंने इनका एक लाइन uh, एक क्विट जो है वो यहाँ पे मेंशन किया है ओनली एब्सोल्यूट ट्रुथ इज दैट देयर आर नो एब्सोल्यूट ट्रुथ्स ठीक है विद इन द टाइम वेरिएशन आती रहती हैं लाजमी नहीं है कि बंदा एक जगह पर उसको एग्जैक्ट पॉइंट uh, समझ के रुका रहे अगर हम बेसिक सेंसेस की बात करते हैं कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात करते हैं तब भी उसमें वेरिएशन रखी जाती हैं कि फाइव परसेंट का मार्जिन इसमें टेन परसेंट का मार्जिन है कि रिजल्ट में चेंज आ सकती हैं। तो है तो ठीक है समटाइम हम रूल्स uh, को फॉलो करके चलते हुए हैं ताकि हमें अच्छी चीजें मिलें और समाइम हम रूल्स को ब्रेक करके एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं और समाइम हम अपोजिट बिहेवियर अपना कर खुद की सेफ्टी करते हैं या खुद को बचाने की कोशिश करते हैं तो इन जो हैं मोहतरम इन्होंने भी इसके बारे में ही बात की है और इसके बाद साइकोलॉजी को डिफरेंट वे में डिफाइन किया गया तो बेसिकली हमें वेरी फर्स्ट टाइम जब साइकोलॉजी को डिफाइन किया जा रहा था तब क्या चीज़ थी जो डिफाइन की जा रही थी और आज की साइकोलॉजी में क्या डेफिनेशन है वो हम इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में साइकी और द माइंड ऑफ द स्प्रिट एंड द कॉन्शियसनेस ठीक है इन्होंने वेरी फर्स्ट जो डेफिनेशन इंट्रोड्यूस हुई थी वो साइकोलॉजी की उसमें उन्होंने कहा था द साइकी और द माइंड रू और माइंड का जो कॉन्शियसनेस का ताल्लुक है उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं और ये नहीं है इसका uh, के ये पहले डेफिनेशन हुई है दूसरी हुई है तीसरी हुई है, टाइम डिफरेंट ने डिफरेंट तरीके से इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया इसका कॉन्सेप्ट लिया और उनको अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश की है तो डिफरेंट टाइप uh, की जो चीज़ें हैं वो हमें एक वक्त में मिल रही थी ट्वेंटी सेंचुरी में ये न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ सब्जेक्ट और इन्होंने कहा कि ये दो एस्पेक्ट्स को देखता है इंसान के व्हाट वी थिंक व्हाट वी आर असल में हम क्या हैं और हम क्या सोचते हैं ये इन चीजों की स्टडी जो है वो साइकोलॉजी में की जाती है और फर्दर उन्होंने डिस्क्राइब किया स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ बिहेवियर हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कंडक्ट करते हैं अपने बिहेवियर्स के साथ स्पेसिफिक के सिचुएशन में कैसा रिस्पांस क्लाइंट देगा स्पेसिफिक सिचुएशन में कैसा देगा इस सिचुएशन ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए तो कैसा रिस्पांस आएगा क्लासरूम में बच्चे कैसे मैनली बिहेव करके अच्छा लर्न कर सकते हैं कैसे उनको डिसिप्लिन रूल दिए जाते हैं कैसे उनका क्लासरूम मैनेजमेंट किया जा सकता है इसी तरह हम अपनी सोसाइटी में सर्कल में कैसे अच्छे फ्रेंड्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो जो हमारी मेंटल हेल्थ पर अच्छा इम्पेक्ट करें इसी तरह हम अपने जो है फ्रेंड्स सर्कल को इम्प्रूव करने में साइकोलॉजी की मदद लेते हैं तो बेसिकली साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर डिफाइन किया गया और उसके बाद जो डेफिनेशन आई उसमें था बायोलॉजिकल कोर रिलेट ऑफ मेंटल इवेंट सच है आइडिटेशन आइडिया को जो है वो प्रोवाइड करना प्रोवोक करना ये बायोलॉजिकल बेसिस पर जो है वो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ न्यूरो बिहेवियरल न्यूरो साइंसिस आज एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है बकायदा इसके बायोलॉजिकल बेसिस को जानने के लिए मेंटल इवेंट्स की तो हम कैसे सेंसेशन करते हैं किसी भी इवेंट के बारे में और ये देखें यहाँ पर एक वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ इसमें ये देखें आ, हमारे पास ये फैब्रिक है जो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है बेसिकली ये एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट थी कि हम एक लाइट वेट का जो है वो कपड़ा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं सेंसेशन दे रहे होते हैं परसेप्शन दे रहे होते हैं कि ये एक अच्छी क्वालिटी का लग रहा है तो ये देखें नजर भी आ रहा है तो इसका ये देखें साथ में जो तस्वीर है तो इसका जो है वो एक ऐसी एल्यूजन टाइप बनाई हुई है कि उसको वेव प्रोवाइड कर रही है ये तस्वीर तो ये हमारी परसेप्शन है हम किस तरह चीजों को लेते हैं कैसे आइडिया करते हैं उनके बारे में क्या वो हमारी सेंसेशन को प्रॉपरली करती हैं हमारा ब्रेन उन चीजों को अंडरस्टैंड करता है तो इनका कोर रिलेशन क्या है मेंटल प्रोसेस का और सेंसेशन का फाइव सेंसेस जो है वो हम यूज करते हुए अपने मेंटल प्रोसेस को जो स्टडी करते हैं वो भी साइकोलॉजी का एक पार्ट समझा जाता है फिर उसके बाद फर्दर इसमें वेरिएशन आई या फिर किसी दूसरे ने कॉन्सेप्ट दिया उसने कहा अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल दैट प्रिंसिपलर लर्निंग एंड मेमरी आज की साइकोलॉजी में भी हम इस रूल को लेकर चलते हैं कि कैसे हम कम टाइम में बेहतर लर्न कर सकते हैं कैसे हम अपनी मेमोरी को बेहतर बना सकते हैं तो फिर हमने बेसिक प्रिंसिपल्स जो अंडरस्टैंड किए हैं लर्निंग के मेमोरी के थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइकोलॉजी साइकोलॉजी इस चीज को भी डिफाइन करती है कि हम क्या लर्निंग स्किल्स अपनाएं और उससे हमारी मेमोरी इंप्रूव हो अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमंस बाय स्टडीिंग द नॉन ह्यूमन एनिमल्स साइकोलॉजी को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि ह्यूमन ब्रेन को अंडरस्टैंड करना है नॉन ह्यूमन एनिमल्स की स्टडी करके यहाँ पर जो ब्रेन दिखाई जा रही है ये एक माउस की ब्रेन है ये देखें इसमें इतने नहीं है लेकिन आप ह्यूमन की ब्रेन देखें उसमें कितने विंकल्स हैं उसमें एलिफेंट की अगर आप देखें ब्रेन और इसी तरह डॉल्फिन की गुले, आ, गुरीला की है डॉग की है कैट की है देखें इसकी शेप में इसके स्ट्रक्चर में इसके में इतना डिफरेंस पाया जाता है तो हम नॉन ह्यूमन के एनिमल्स जो हैं हमारे पास उनके ब्रेन की स्टडी करते हुए उस स्ट्रक्चर को रिलेट करते हैं ह्यूमन ब्रेन के साथ फिर उसकी स्टडी करते हैं उसके फंक्शंस की स्टडी करते हैं तो ये भी एक साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंटल पार्ट है जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंटल स्टडी होने की वजह से इसको साइंस कहा जाता है ठीक है स्टडी अनकॉन्शियस एंड मोटिवेशन जैसे कि फ्रॉइड ने हमें फादर ऑफ द साइकोलॉजी हैं और उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया कि अनकॉन्शियस मोटिवेशन होती है जो हमें मोटिवेट रखती है हमारी ईगो सुपर ईगो ईड ये वाली चीजें हम पे इम्पेक्ट कर रही होती हैं हमारा लाशा जो है वो हमें मोटिवेट रखता है कि हम कुछ अच्छा सा सोचें कुछ नया सोचें कुछ डिफरेंट करें तो वो वाली जो चीजें हैं वो आ, हमें साइकोलॉजी के थ्रू पर बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होती है कुछ लोगों ने ये कहा कि अनकॉन्शियस जो मोटिवेशन होती है उसको कहते हैं फ्राइड के जितने भी फॉलोवर्स थे सब ने ये बात कि की कि अनकॉन्शियस मोटिवेशन की स्टडी जो है वो साइकोलॉजी है इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी बस लोगों ने इसको ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए एक टूल कहा एक स्किल का एक ऐसा सब्जेक्ट कहा जिसके थ्रू हम और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं उसमें हम अपने इम्प्लॉयज के एटीट्यूड बिहेवियर्स, उनको कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है कौन कौन सी मशीनरी देनी है कैसे वो अपना डाटा स्टोर रखेंगे क्या उनके मेमोरी के प्रोसेस होंगे क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी उन सारा का एक एस्टिमेट और उसका एस्टिमेटेड टाइम और टाइम मैनेजमेंट जो फिजिकल वर्थ है कस्टमर्स की क्लाइंट्स की इम्प्लॉइज की उसको मैनेज करते हुए उनके बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करते हुए जो उनको ड्यूटी प्रोवाइड की जाती है वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी uh, की एक बाकायदा से एक ब्रांच बन चुकी है आज लेकिन तब भी फाइन कुछ लोगों ने किया कि ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी की स्टडी है एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर इन द टर्म ऑफ इवोल्यूशनरी ये हमारे पास एक डार्विन uh, की थ्योरी है जिसने कहा कि वक्त के साथ साथ इंसान में तब्दीलियां आई इंसान ने अपनी जरूरत के मुताबिक चीजें इंट्रोड्यूस करवानी शुरू कर दी और उसमें वेरिएशन आती रही तो आपको इस तस्वीर में वाज हो होगा कि वेरी फर्स्ट स्टेप पे जो है वो एक छोटा एक सा जो है वो बंदर की शेप का एनिमल बना हुआ है फिर उसने एक तरक्की कर ली थोड़ा सा उसने पांव पे चलना शुरू कर दिया फिर उसके हाथ में अपनी डिफेंस की चीजें आना शुरू हो गई फिर लाठी और फिर उसने एक लाठी में एक सिरे में इजाफा करके अपनी एक आला बना लिया डिफेंस के लिए बनाया या फिर अपने फर्दर काम लेता था फिर मशीनरी इंट्रोड्यूस होगी फिर आज हम कंप्यूटर और मोबाइल की दुनिया में आबाद है तो जो जो वेरिएशन हमारी बिहेवियर्स में आई हैं वो किस तरह नेक्स्ट जनरेशन पे इम्पेक्ट कर रही हैं जनरेशन गैप क्या है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं हिस्ट्रोग्राफी हिस्ट्रोग्राफी बेसिकली क्या होती है जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करी वो क्या होती है अः हिस्ट्रोग्राफी जो होती है एक प्रॉपर वे होती है कि हिस्ट्री को लिखने का एक प्रॉपर तरीका जैसे मैंने डिफरेंट जो मुझे डेफिनेशन मिली कि पहले दौर में इसको इस इस तरह डिफाइन किया हुआ है मैंने उस तरतीब को लिया और उस तरतीब को लिख के आपको मैं यहाँ पर एक वीडियो बना आपको दिखा रही हूँ तो ये मेरी एक हिस्ट्रोग्राफी का एक तरीका कार है कि मैंने देखा कि सबसे पहले क्या बात की गई फिर उसमें क्या वेरिएशन आई या उसके साथियों ने क्या बात की तो इस तरह एक पूरी टूल बन गई और उसके बाद हमारे पास एक हिस्ट्री में टर्म आती है हिस्ट्रोसिज्म हिस्ट्रोसिज्म स्टडी ऑफ द पास फॉर इट्स सेक विदाउट आउटिंग टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं अब बहुत सी वेरिएशंस आ गई हैं के पहले ये कहा गया ये कहा गया अब कंबिनेशन के साथ साइकोलॉजी uh, की डेफिनेशन को लिया जाता है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्रेन एंड बिहेवियर इस तरह कह दिया जाता है जिसमें ऑल प्रोसीजर्स आ जाते हैं हर और फिर ये कहा जाता है कि साइकोलॉजी उन लोगों से रिलेटेड है जो किसी भी इंडस्ट्री में काम करें मतलब इंसान है तो उनसे साइकोलॉजी रिलेटेड है एनिमल साइकोलॉजी आ गई है तो वो वाली चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं हमें प्रीवियसली एक वे मिल रही है लेकिन उसका रिलेशनशिप बनाकर भी हम हिस्ट्री को लेकर चलते हैं लेकिन बगैर बनाए भी लेकर चलते हैं तो हम जब पास्ट को स्टडी करते हैं विद आउट एनी इसके के हम उन्होंने उसको तनकीद का निशाना बनाना है या फिर उस पर जो है वो उसको में अच्छाई तलाश करनी है इस चीज़ से परे जो हम स्टडी करते हैं कि हमने पास्ट को जानना है कि पहले क्या गलतियाँ हुई अब क्या बेहतरियाँ हुई तो ये हिस्ट्रोसिजम कहलाता है हमारे पास जो है हिस्ट्री में साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन बयान की गई हैं वो जो हमारे पास आज की वीडियो में जो थी वो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी थी और इसमें हमने ये सीखा कि स्टडी है साइकोलॉजी एक स्टडी है साइकी ऑफ माइंड की कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस की साइंस ऑफ बिहेवियर है बायोलॉजिकल बेसिस भी है इसमें लर्निंग ऑफ मेमोरी भी है हम इसको थ्रू एनिमल और नॉन ह्यूमन ब्रेन के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं और यह इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होती है हर उस आत्पैक्ट को कवर करती है जिसमें ह्यूमन का रोल आता है ठीक है आज जो हमने हिस्ट्रोग्राफी की डेफिनेशन पढ़ी है उसमें हमने सिखा है कि प्रॉपर वे में राइट करना हिस्ट्री को ये हिस्ट्रोग्राफी कहलाता है और हिस्ट्रोसिज्म ये होता है कि हमने पास्ट और प्रेजेंट का कोई रिलेशनशिप ना भी बनाया हो या बना भी लिया हो तो फिर हम जो एक स्टडी करते हैं कंडक्ट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको कहते हैं। आज की वीडियो यहाँ तक थी उम्मीद है कि आपको इसका थोड़ा सा कंसेप्ट पता चला होगा कि साइकोलॉजी क्या थी पहले और उसमें अगर आप मौजूदा स्टूडेंट हैं तो उसकी डेफिनेशन में जो वेरिएशन आई हैं उसका पता चल गया होगा आपको इस वीडियो का मकसद था आपको बताना कि हिस्ट्रोसिज्म क्या है और हिस्टोग्राफी क्या होती है और हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को क्यों अहमियत देते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ना क्यों जरूरी है तो होप्स हो कि आपको इन, इन क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे और फर्दर इसके अलावा इनसे रिलेटेड जो टर्म्स मैंने इसमें इस इस्तेमाल किए हैं उनमें से किसी भी क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहा है कोई टर्म्स है या साइकोलॉजी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई टर्म है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करें लाइक like करें शेयर करें थैंक यू वेरी मच